दोस्तों, कैसे हैं आप? बस ऐसे ही हम घूमते हुए यहाँ पहुँच गए। एक नेचुरल लेक है, या आप इसे एक नेचुरल लगून भी कह सकते हैं, जिसका नाम है चांडुबी लेक। ए, हमको आगे जाने दे। बैठ बैठ बैठ, हमको आगे जाने दे, हमको आगे जाने दे, हम आगे जाएंगे। सेफ्टी ले लिया, आगे जा। अभी जाने शुरू हुआ है, हम लोग क्या सफर पे निकला है? आगे में बैठने से मजा आ रहा है। बोट बोट नीचे आने क्या लग रहा है? ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है गुवाहाटी सिटी से, और आप बड़े ही आराम से बस के जरिए यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो से फोटो खींच लेगा। अरे वो हिलेगा बोट, पागल है क्या तुम? बैठो बैठ बैठ बैठ, वो ऐसा नहीं, ये छोटा वाला बोट है भाई, बैलेंस खराब हो रहा है तो भाई मत ही रखना। क्यों ना उछल कर रहा है तुम? छोटा बच्चा थोड़ी ना है तुम, समझा कर भाई। मस्ती का टाइम में, मस्ती के चक्कर में भाई गिरेगा तो फिर कौन मस्ती? इस लेक के चारों दिशाओं पे आपको रिसॉर्ट्स और कैंप साइट नजर आएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द लोकेशन, जो हमें पता नहीं था पहले से, हम यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला, दैट इज़ यू कैन डू नाइट कैंपिंग आउट हियर। दैट टू लेक के जस्ट साइड में है कैंप्स वगैरह, एंड ऑन फायर वगैरह मिलेगा आपको। आप मस्त खुद भी कुकिंग कर सकते हैं, या यू कैन ऑफ देम टू कुक द फूड फॉर यू। बहुत बढ़िया है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द लेक, इफ़ यू कम ऑन द डे टाइम, इज़ दैट आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। दैट इज़ जस्ट 100 रुपीज़ पर हेड। That is a very good pricing. हाथ उठा, हाथ उठा। देखो उधर में लगेगा, बोट में लगने वाला था तेरा हाथ। ये जगह लेके आई है। एंड लेक के एंट्री पॉइंट पे आपको बड़ा सा पार्किंग स्पॉट भी मिल जाएगा, तो पार्किंग के लिए आपको कोई झमेला होने वाला है नहीं। अगर आप बड़े गाड़ी भी या बस भी लेके आते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड पार्किंग स्पॉट। एट द सेम टाइम आपके जस्ट पार्किंग के जस्ट आई थिंक सो लेफ्ट हैंड साइड, मेरे ख्याल से एक बड़ा सा पिकनिक स्पॉट भी है। लाइक इट्स जस्ट लाइक अ बिग ग्राउंड टाइप थिंग है, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। यू कैन सिट, यू कैन डू कुकिंग, यू कैन यू नो हैव योर फूड्स एंड चिल आउट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत सही चीज़ है, बहुत सही जगह है। हमें तो बहुत मज़ा आया, बट हमारा कोई इंटेंशन था नहीं वहाँ पे पिकनिक वगैरह करने के लिए, ना ही कुकिंग करने के लिए। जस्ट रैंडमली घूमने के लिए आए थे एंड यहाँ तक पहुँच गए। सो जस्ट एंजॉयिंग द व्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट लेक। इस लेक के चारों जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली मेघालय के गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये चांडुबी लेक मेघालय और असम के बीच में स्थित है। और सबसे यूनिक बात यह है कि चांडुबी लेक हमेशा से यहाँ पे था ही नहीं। ये लेक 1897 पे हुआ एक बड़ा सा अर्थक्वेक के बाद अपने आप बना है। और ये लेक अभी फ़िलहाल और एक चीज़ के लिए फेमस है, जो
मतलब आपका जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स है वो यहाँ पे बहुत आपको नजर आएंगे, बहुत अलग अलग टाइप के स्पीशीज आपको नजर आएंगे ड्यूरिंग द विंटर पीरियड। सो ये एक चीज़ है जो आप मतलब अगर आप इंटरेस्टेड इन टू फोटोग्राफी और आप जस्ट बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड है, यू कैन इन्जॉय दोज थिंग्स ड्यूरिंग द विंटर, जो मुझे पता नहीं था और यहाँ के लोकल से मुझे वो पता चला। सो हम तो बेसिकली यहाँ पर बस रैंडमली घूमने के लिए आए थे, सब सारे फैसिलिटीज़ जो भी है हमने उसका खबर लगाया क्या है क्या नहीं कर सकते हैं। सो हमें प्लान ज़रूर है कि हम यहाँ पर आके नाइट कैंपिंग एक बार करेंगे, एंड इफ़ यू डू द नाइट कैंपिंग आपको ज़रूर हम वीडियो भी शेयर करेंगे कैसा हमारा एक्सपीरियंस था, विल डेफिनेटली शेयर। अभी आप मैं तो आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा यहाँ पर, सो आई जस्ट हैव सम ड्रोन शॉट्स, आप उसका मज़ा लें, सिनेमेटिक्स है आप उसका मज़ा लें, एंड टू लेट मी नो अगर मैंने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया या मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं गलत था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आई हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। एंड प्लीज़ आप वीडियो मेरा देखें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।